भैया हम तो पौधा उखाड़ के ले आए हैं, अब यहाँ पर लगाना है पौधा, तो लाइन से लाइन की दूरी है भैया 3 फीट। अच्छा। और पौधा से पौधा की दूरी हम करेंगे भैया 2 फीट। 2 फीट। हाँ भैया, आपका कहने का मतलब ये दीदी कि लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखते हैं। हाँ भैया, ठीक है भैया। 2 फीट यहाँ से ये हो गया, एक गड्ढा करेंगे भैया यहाँ। अच्छा, गड्ढा कहाँ पे करेंगे दीदी? भैया गड्ढा ना ऊपर करना है और ना नीचे करना है भैया, बीच में करना है गड्ढा, क्या ये क्यारी के। ठीक है दीदी, आप कह रहे हैं कि नीचे भी गड्ढा नहीं करते और ऊपर भी गड्ढा नहीं करते, इसलिए नहीं करते दीदी? भैया ये नीचे लगाएंगे तो पानी में ये जड़ सड़ जाएगा। अच्छा। और ऊपर भी लगाते हैं तो वहाँ अच्छे से पानी नहीं मिल पाएगा पौधे को। अच्छा ठीक है दीदी। गड्ढा ये तो हो गया भैया, अब फिर से ये दो गड्ढा, ये दूसरा गड्ढा यहाँ से होगा। ठीक, तो हम यहाँ भी गड्ढा करेंगे। के अनुमान से हम गड्ढा ऐसे सीधे खोद के जाएंगे इतना ही दूरी पर। सभी लाइन में करते हैं दीदी ऐसा? हाँ भैया। दीदी गड्ढा तो हो गई है, अब इसमें क्या करेंगे दीदी? भैया हम ये सड़े हुए गोबर के खाद को सुमोना और निप्रोट से उपचार किए हैं, इसको हम एक एक मुट्ठी अब गड्ढा में डालेंगे। अच्छा, सभी गड्ढा में डालना है दीदी? हाँ भैया। दीदी अब क्या करेंगे दीदी इसमें? भैया इसमें हम दवाई का घोल बनाएंगे। अच्छा, कौन सा दवाई है दीदी? ये है भैया ट्राइसिल। कितना मिलाते हैं दीदी इसमें? इसमें हम ये ढक्कन में हम आधा ढक्कन मिलाएंगे भैया। कितना ml दवा है दीदी? भैया ये 1 लीटर पानी में 4 ml दवा है। अच्छा, 4 ml दवा लगता है ना? हाँ भैया। ये घोल बना रहे हैं ना दीदी? हाँ भैया। ये घोल, भैया हम पौधा लगाते हैं तो पौधा ना लगाने के पहले ये दवाई को दीमक नाशक के लिए हम इसको डालते हैं। अच्छा, पौधा नहीं, पौधा लगाने से पहले। हाँ है ना? हाँ ठीक है।